So in today's video, I'm going to share a beautiful forest themed kids nameplate, and today's video is going to be a really fun one, so keep watching. MDF cutout लेने के बाद first step है कि हमें base को अच्छी तरह से prime कर लेना है. अगर आप ये step skip कर देते हैं और directly paint apply कर देंगे तो wooden base paint बहुत ज़्यादा absorb कर लेगा. Also, अगर बेस वाइट नहीं होगा तो कोई भी कलर उसमें उभर कर नहीं आएगा. बेस ड्राई होने के बाद मैंने ज़ेब्रा की वाइट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है. नाउ फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स आई एम यूजिंग ब्लैक पेंट. बेस पेंट करने के लिए मैंने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया एंड नाउ आई एम यूजिंग डिटेलिंग ब्रश. देन एक एक करके हम सारे पार्ट्स को पेंट करते जाएंगे. नेम प्लेट इज़ अ ग्रेट वे टू एड अ पर्सनल टच टू योर चाइल्ड्स रूम. इट कैन बी कस्टमाइज विद देयर नेम्स या जो भी बच्चों को थीम पसंद हो, लाइक फॉरेस्ट, स्पेस, कार्टून्स और इवन अ स्पेशल मैसेज दैट इज़ मीनिंगफुल टू देम. दिस मेक्स देयर रूम फील मोर स्पेशल एंड यूनिक. सो फर्स्ट पार्ट मैंने पेंट कर लिया है. अब सेकेंड पार्ट के लिए मैंने दो कलर ऑप्शंस रखे थे एंड द कलर चॉइस इज टोटली अप टू यू. देन हम किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से दोनों पार्ट्स को आपस में अच्छी तरह से स्टिक कर लेंगे. नेक्स्ट लीव्स के बेस को भी मैंने पहले प्राइम कर लिया है, उसके बाद ग्रीन के डिफरेंट शेड से इन्हें पेंट कर लिया है. सो दिस कस्टमाइज्ड नेम प्लेट सेट हैज़ डिफरेंट कटआउट्स जिन्हें हम लास्ट में एक साथ अरेंज करेंगे. देन हम सन को भी पेंट कर लेंगे. हमें कोई भी कोना छोड़ना नहीं है, हमें अच्छी तरह से सब में पेंट अप्लाई करना है, वरना वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. नेक्स्ट हम लायन बेस को पेंट करेंगे, जिसके लिए मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया है. देन फेस पार्ट को मैंने गोल्डन येलो से पेंट किया है. अब मैं बाकी के डिटेल्स भी कंप्लीट कर लूंगी. देन थर्ड पार्ट को पेंट करने के लिए मैंने लाइटर शेड का यूज किया है. वंस दैट इज ऑल डन, देन वी विल स्टिक ऑल द पार्ट्स टुगेदर with the help of strong glue. And our cutest lion is ready. Then next हम paint करेंगे giraffe, जिसके लिए हम पहले base coat देंगे, उसके बाद paint करना start करेंगे. बट जब भी आप जैसों का यूज़ करते हैं, आप उसे ड्राई होने के लिए 24 आवर्स के लिए छोड़ दें, उसके बाद ही इसमें पेंट करें. जब तक मैं इसे पेंट कर रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है. ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. सभी कटआउट्स को पेंट करने के बाद मैंने वार्निश का यूज़ किया है. देन दिस इज़ द बेस जिसके ऊपर हमें सभी कटआउट्स को स्टिक करना है, तो हम इसे भी अच्छी तरह से पेंट कर लेंगे. ब्रश स्ट्रोक्स रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पर स्पंज का यूज़ किया है. जब पेंट अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, उसके बाद हम एक टॉप कोट वार्निश का अप्लाई करेंगे. एट लास्ट हम सभी पीसेस में अच्छी तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे एंड उसे बेस में एक साथ स्टिक करेंगे. ऑल्सो दिस इज़ एन ऑर्डर पीस, तो मैंने नेम पार्ट को भी अच्छी तरह से पेंट कर लिया है और उस पर भी वार्निश अप्लाई करके बेस पर स्टिक कर दिया है.
देन हम सभी पार्ट्स को अरेंज कर लेंगे एंड बेस में स्टिक करते जाएंगे। बच्चों के हिसाब से उनके रूम को डेकोरेट ज़रूर करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो अगर आप कोई पेंटिंग या क्रिएटिविटी करते हैं तो उन्हें भी उस एक्टिविटी में ज़रूर शामिल करें। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। इसे हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पर MDF हुक का यूज़ किया है, आप चाहें तो रोप या डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरह से हम इसे अपने वॉल पर डेकोरेट करेंगे। एंड दिस क्यूट नेम प्लेट इज़ रेडी फॉर रियांश। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू गाइज़ इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।